आपने कभी सोचा है शेयर मार्केट गिरता कब है? आप थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ। सबसे पहले तो कुछ ऐसी कंडीशन हमारे आसपास हो जाए, एकदम से ही उसका इफेक्ट शेयर मार्केट के ऊपर पड़ता है। आप कभी कभार देखना, होता क्या है, मान लो जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो गया, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट अब होगा, क्या वॉर हुआ तो वॉर होने की वजह से क्या होगा, बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा, जिससे सीधा शेयर मार्केट पे इफेक्ट पड़ता है। आप कभी गौर करना, कभी कहीं वॉर छिड़ जाती है, कुछ भी हो जाता है, इट्स नॉट अबाउट इंडिया पाकिस्तान वॉर, किसी अलग तरह कहीं अलग भी कॉन्टिनेंट में, वहां पर अगर कोरिया के यहाँ पर भी वॉर का अंदेशा लगाया जा रहा है तो कोरिया की जो कंपनी है उसके शेयर गिर जाएंगे, समझ रहे हो, क्योंकि वॉर के टाइम पे क्या होता है, सारी चीजों पे बैन लग जाता है, सब कुछ बंद हो जाता है। तो आप ये ना इन सब चीजों पे गौर करो कि एक्चुअली शेयर मार्केट गिरता कब है, ठीक है, वॉर हो गया गिर जाएगा, पैंडेमिक आ गई, जैसे अभी कोरोना का टाइम आ गया था, एकदम से आपको पता है जब कोरोना का टाइम आया था जिसमें शटडाउन लग गया था, लॉकडाउन लग गया था, उस टाइम पे अचानक से आपका जो शेयर मार्केट था वो गिर गया था, आपने कभी गौर किया? तो वो आने पे गिरता है, पैंडेमिक आने पे गिर जाता है, कहीं कहीं कुछ बेसिकली जैसे कहीं अर्थक्वेक आ गया, मतलब क्या बोलते हैं उसको, नेचुरल कैलेमिटी होगी, कैलेमिटी बोलते हैं उसको, नेचुरली अगर कुछ हो गया, ऐसा कोई प्रॉब्लम आ गई, भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, उससे शेयर मार्केट पे सीधे इंपैक्ट पड़ता है। तो ये सब चीजें क्या है, इनसे शेयर मार्केट गिरता है। अच्छा, और किस वजह से शेयर मार्केट गिरता है, और रीजन कौन सा हो सकता है? अचानक से शेयर मार्केट में कंपनियों के शेयर कब गिरते हैं? जब बैंक ने किसी सेबी ने किसी कंपनी को रेगुलेटरी या फिर फोल्टी घोषित कर दिया, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट ने अपने रूल्स बदल दिए, या फिर गवर्नमेंट ही बदल गई, आपने देखा होगा 5 साल बाद गवर्नमेंट बदल जाती है, तो अचानक से गवर्नमेंट बदलती है तो उनके रूल्स रेगुलेशन बदलते हैं, तो उससे भी शेयर मार्केट गिरता है।